आज जिन दो विभूतियों के बारे में हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं, स्वर्गीय श्री अनिल परिहार जी तथा अजित परिहार जी, जिनका सार्वजनिक जीवन हम सबके सामने है, जिनकी पब्लिक लाइफ शहीद शाह साहब ने आपके सामने बयां की, कभी उनके मुंह से आपने कोई गलत बात नहीं सुनी होगी, किसी फिरके के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी होगी, और ऐसे इंसान का भी कत्ल किया जाता है ये हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उनने अपनी स्पीच में ये कहा था, यहां पे लड़ाई केवल गली नाली, बिजली पानी या स्कूल अस्पताल की नहीं है, यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सेना को लड़ाई है उन ताकतों के साथ जो इस भारत को टुकड़े करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना चाहती है भारत को, यह लड़ाई यहां पे है। साथियों, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके ऐसे अल्फाज, उनके ये शब्द हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमारे लिए प्रेरणा के ये एक वाक्य है। 1 नवंबर से आज 27 दिसंबर तक हम सारी गतिविधियों को देख रहे हैं, हम सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं। 1 नवंबर के तुरंत बाद एक हाई लेवल डेलीगेशन यहां से दिल्ली गया, मैं भी उसमें शामिल था, राजनाथ सिंह से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, अपने एमपी साहब से मिले, और भी कई लोगों से मिलना हुआ। आप ऑन रिकॉर्ड बातें निकाल लिए, वहां पे हमने क्या बातें की, हमने बातें की कि पिछले 25 सालों से लगातार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, और कौन सी पार्टियां इनमें शामिल हैं वो सबके सामने आया है। आज जो बहुत बड़ी पार्टी जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करती है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 की आपकी बनाई गई जुडिशियल कमेटी ने आपको तो कल्पित ठहराया है, आपको तो मुजरिम ठहराया है, और कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं आप? और आपने किश्तवाड़ पर एक बदनुमा दाग लगाया है, चाहे वार का हो चाहे पार का हो, आपको मिनिस्ट्रियों से निकाला गया है, ऑन रिकॉर्ड है बातें, आपकी करतूतों से निकाला गया है, और आज दोबारा से आप जुडिशियल डिमांड करते हो। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मिलिटेंसी की कोई वारदात होती है एनआईए उसे जांच करती है, और केवल किश्तवाड़ के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एनआईए पे भरोसा है। हमने डिमांड की कि एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट करे, ये तुम्हारी जुडिशियल कमेटी नहीं है जिसने तुमको ही कल्प्रिट ठहराया है। साथियों, हमें पूरा यकीन है एनआईए पे, एनआईए जरूर इसको परत दर परत खोलेगी, जितनी बड़ी साजिश है ये लाएगी सामने। एनआईए, हमें यह भी पता है कि पब्लिक के दबाव में नहीं आती है, लेकिन आज जो विरोध प्रदर्शन है वो ये हमें गिला है यहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, आज जो हमें गिला है यहां की विशेषकर पुलिस से। केवल 2 महीने के बाद तुम्हारी ये नाकामयाबी है, तुम्हारी ये नालायकी है कि किश्तवाड़ के बीच बाजार में हमारे एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता और उसके भाई को शाम के टाइम कत्ल किया जाता है, इसका कसूरवार कौन है? ठीक कहा तारक किंग साहब ने, और तुम बड़े बड़े लग्जरी रूम्स में आज वहां पे बड़े बड़े पनीर पकोड़े खाने बैठे हो, क्या तुम्हारा आज फर्ज नहीं है? और आज हमारी रिपोर्ट्स आती है हमारे पास कि तुम एनआईए को कॉपरेट नहीं कर रहे हो, तुम ये चाहते हो कि ये
जो आपकी नाकामयाबी है वो सबके सामने आया ना हो, लेकिन मुझे यकीन है एनआईए पे, आप कॉपरेट करो ना करो, एनआईए यहां पे इस कत्ल की सारी साजिश को लोगों के सामने लाएगी। ये और तुम्हारे पाले हुए कुछ नुमाइंदे जो गलत खबरें फैलाते हैं, उन खबरों को आप सबसे पहले स्पष्टीकरण दीजिए। कभी आपने एक खबर लगवाई, कभी दूसरी खबर लगवाई, क्या उन लिखने वाले बैठे हैं जो गलत खबरें बाहर फैला रहे थे? अगर वो सही है तो कहां है वो लोग, कहां है वो कल्प्रिट्स? अगर वो गलत है तो ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर पहुंचाओ, वरना तुम जो ये साजिश यहां पे रच रहे हो किश्तवाड़ में, तुम्हारी हम खैर नहीं होने देंगे यहां पे। मैं ये आपको चेतावनी देता हूं कि अभी समझ जाओ, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जब तक यहां पे है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो कोई फसाद यहां पे होने नहीं देगा। और जिसकी मिसाल ये 3 साल आपके सामने, बंकर्स पर राजनीति, तो ये बंकर्स किसके लिए बन रहे हैं? ये बंकर्स किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बन रहे हैं, ये इंसानियत के लिए बन रहे हैं, इंसानियत को बचाने के लिए बन रहे हैं। अगर तुमको एतराज है, मैं इतने लोगों के सामने, मीडिया के सामने आपसे सवाल पूछता हूं, मैं सबसे पहला इंसान हूंगा जो इस बंकर्स हटाने के लिए आपके साथ खड़ा आ जाऊंगा। पहले आप अपने घर के बंकर हटा दीजिए, आपके पीछे जो जिप्सी चलती है बंदूकें लेके उनको हटा दीजिए, तुम्हारे घर में जो लोग आते हैं 40 लोग तो उनको तलाशी करने पे बंकरों में खड़े हैं, बंदूकें तान के हैं, और बाहर एक गरीब की सुरक्षा के लिए अगर बंकर खड़ा है, एक मजलूम की सुरक्षा के लिए बंकर लगा हुआ है, एक बहन की इज्जत को बचाने के लिए बंकर लगा हुआ है रहे हैं, मीडिया जाके फोटो लाके उठाए, दरवाजों पे गुथियां लगी हुई हैं बंकर लगा के, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? किश्तवाड़ी बेवकूफ नहीं है, आपको एस्कॉर्ट भी चाहिए, एसओजी का एस्कॉर्ट, फिर ये एसएसपी को फोन करते हैं, मेरे पीएसओ को एके नहीं दी है आपने, मेरे पीएसओ को आपने ऐसे सादा भेजा है, मुझे एसटीएफ का लड़का दीजिए, मुझे खतरा है। तो आम गरीब के लिए जब एसओजी वाला खड़ा हो जाए उसके तहफूज के लिए तुमको तकलीफ हो रही है, ये डबल स्टैंडर्ड की बातें। सबसे पहले तो तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। साथियों, मैं बहुत कम किसी की मजम्मत करता हूं, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता, हम अपनी लकीर खींचते हैं, हमें किसी का नाम लेके मजम्मत करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत पे कोई शक नहीं है, हम मजबूत इरादों वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस भट्टी से निकला है जहां पर उसने गरीबी की आखिरी हद, आज केवल और केवल अनिल जी के कातिलों को बेनकाब करके उनको फांसी तक पहुंचाने के लिए हमारा ये विरोध प्रदर्शन जो है ये एक आगाज है। साथियों, मुझे याद है फरवरी के महीने में यहां पे कत्ल हुआ, ब्लाइंड मर्डर हुआ, मैं मिनिस्टर था, कसम है मुझे ऊपर वाले की मैंने उस शाम को खाना नहीं खाया, पूरी रात में जागा रहा, एडिशनल फोर्सेस मैंने भेजी, और उस वक्त मैंने डीजी को फोन करके एक बात कही कि 7 दिन के अंदर ये मर्डर मुझे सॉल्व करके चाहिए। पुलिस को मैंने बैठने नहीं दिया, उस वक्त के ऑफिसर्स कोई कॉल डिटेल निकाले आप, रात रात भर मैंने इनको फोन करके जगाया कि मुझे 7 दिन के अंदर ये मर्डर सॉल्व करके चाहिए। आज हमारी क्रेडिबिलिटी के सामने सवालिया निशान लगा है। हम किसी मजहब पे शक नहीं करते हैं, जो कातिल है उनका कोई मजहब नहीं है, किसी भी मजहब से वो निकले हैं, किसी भी जमात से निकले हैं, कातिल कातिल है, वो इंसानियत का कातिल है, और आज उनको बचाने के लिए तुम सड़कों पे आओ, तुम माइकों पे आओ, ये भूल जाओ तुम, अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किश्तवाड़ में मजबूत है। यहां के हमारे बुजुर्गों ने वो लड़ाई ही लड़ी है जिस दौर में तो आपने सोच लिया था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मलकियत जागीर हो गई है, कि नहीं
यहाँ पे हर तबके के जवान आपकी कुर्सी को उखाड़ेंगे नहीं, हवा में ही फेंक देंगे। साथियों तुम भूल जाओ क्या फसादात करके आप यहाँ पे अपनी कुर्सी को दोबारा बहाल करना चाहते हो। षड्यंत्र यहाँ पे वीडीसी के लिए चलाया जा रहा है। जब यहां पे सरकारी मशीनरी फेल हो गई थी, जब यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार फेल हो गई थी एक आम इंसान का तहफूज देने के लिए, तब इन कंधू ने, तब इन हमारे बुजुर्गों और नौजवानों ने इस इंसानियत का तहफूज किया था। आज ये बूढ़े हो गए, आप आजमाना है तो जरा कभी देखो उस गांव में जाके जहां वो बुजुर्ग 60 साल का भी आज बंदूक लेके खड़ा है। दो दिन पहले हमारा बहुत बड़ा एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिला और उसने आश्वासन दिया था कि इनसे कोई गन वापस नहीं ली जाएगी। अगर यहां पे ऐसा षड्यंत्र चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मैं आह्वान करता हूं आपको, कोई गन वापस नहीं करेगा। अभी हमने ये कन्वे गवर्नर साहब से भी किया है। अगर आपको कोई ज्यादा लगता है कि मेडिकली कोई अनफिट है, वहां पे पहले आप सिलेक्ट कीजिए किसी दूसरे को, गन थाने नहीं आएगी, वहीं पे जमा नहीं करनी है, वहीं पे दूसरे को आप दे दीजिए। वो साजिशें खत्म कीजिए तुरंत, और तुरंत अनिल जी के कातिलों को बाहर निकालो। तुमने तो कहा था हम 13 दिन के अंदर इन्होंने कहा था कि हम कातिलों को निकालेंगे, कहां गए वो तुम्हारे 13 दिन? हमने जल्दी नहीं की प्रोटेस्ट करने में, हमने बहुत बड़ा पत्थर रखा दिल पे कि भाई तुम्हें टाइम मिलना चाहिए, हम टाइम देते हैं आपको, करो। आज तो बड़े ठाट से आप ये रिवॉल्विंग चेयर्स पे नाच रहे हैं कि शायद किश्तवाड़ की जनता शांत हो गई, अब इनको कुछ याद नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेषकर अपनी मीडिया के माध्यम से, किश्तवाड़ की जनता और खासकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भूला नहीं है इस बात को। ये थोड़ी सी अभी आपको वो खुत लगाया है और अगर आप नहीं जागे तो इस रिवॉल्विंग चेयर के समेत आपको खिड़की से बाहर फेंकेंगे, जो मैं आपको चेतावनी देता हूं। और जिस साजिश को आप यहां पे फैलाना चाहते हो, ये एक संकेत है। आज पहली बार आपने देखा होगा ऐसा जलसा, ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें चेरजी और शाड़ से भी हमारे गुज्जर भाई शामिल हुए, जिसमें भोजवा से भी और छात्रों से भी हमारे मुसलमान भाई शामिल हुए। ये संकेत है आपके लिए, जरूरत पड़ेगी तो हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान सड़कों पे उतरेंगे कि हमें एनआईए पे भरोसा करना चाहिए। एक क्रेडिबल ऐसी एजेंसी है और जिस प्रकार से पुलिस यहां पे खिचड़ी बना रही थी फटाफट अपने सर से उतारने की, और दोबारा से नया चलाते हैं, जैसे यहां के हॉस्पिटल का गया हुआ एम्स में नए टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से एनआईए अपने नए तरीके से पूरे जीरो से लेके 100 तक चलती है। हम इनका भी इंतजार करेंगे, इन पे यकीन रखते हैं, लेकिन अगर ये भी यहां की पुलिस की साजिश का शिकार हुए तो हमें परहेज नहीं होगा एनआईए के खिलाफ भी उतरने को। इसलिए हम आपको सल्यूट करते हैं, आपकी काबिलियत की तारीफ करते हैं, लेकिन इन नालायकों के षड्यंत्रों में नहीं आना जो नालायक यहां पे बैठे हैं। इसलिए आपको हमने समय दिया और समय देते हैं, हम देख रहे हैं, हम भी जांच रहे हैं, हम भी परख रहे हैं, हम भी पता कर रहे हैं तुम कहां पहुंचे हो, तुम क्या कर रहे हो। और जब हमें पता चलेगा कि नहीं, नालायकी की हद खत्म हो रही है, फिर हमारे सब्र की हद भी खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देके इस सारी साजिश की परतें खोलोगे। इस उम्मीद से आज हम इस डीसी ऑफिस के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरिए। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरिएगा। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन था और जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, इस संकेत को आप सीरियसली लीजिए और वरना ये चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है। ये मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। अनिल जी को दोबारा से
अपनी दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके भाई के प्रति भी बराबर की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं। अनिल जी, अजीत जी, अमर रहे, अमर रहे। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गद्दू को गिरफ्तार करो। धन्यवाद।